यूएस ओपन का रोमांच अलग ही देखने को मिलता है। खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए जमकर मेहनत करते हैं और इस यूएस ओपन में तो बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है। बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आर्याना सबालेंका ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को महिला सिंगल्स में हराकर यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। पेगुला को आर्याना ने 7-5, 7-5 से हराकर यूएस ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। आर्याना साल 2021 से ही इस खिताब को जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। वो इस ग्रैंड स्लैम को जीतने के लिए करीब तो आती थी, लेकिन वो फाइनल में जीत नहीं पाती थी। अब आर्याना ने जीत के साथ अपना नाम इतिहास में रच दिया है और इस जीत के बाद आर्याना ने गजब का सेलिब्रेशन भी किया। आर्याना का सेलिब्रेशन करने का एक नया अंदाज देखने को मिला और उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। आपको बता दें, यूएस ओपन का खिताब जीतने के बाद उन्हें यूएस ओपन की ट्रॉफी मिली, जिसके बाद सबालेंका ने अपनी ट्रॉफी के अंदर शैंपेन डाला और ट्रॉफी से ही घटघट करके वो शैंपेन पीने लगी। उनका ये तरीका काफी अनोखा था। आर्याना के अंदाज को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने कई साल लगा दिए और जीत के बाद खिलाड़ी ने अपने इमोशन को इस अंदाज में फील किया।